जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। नवगछिया में मुठभेड़ में एक अपराधी घायल, 3 गिरफ्तार। नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के कंचनपुर कदवा गांव के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी के घायल हो जाने की सूचना है, जबकि 3 अपराधियों को पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई में 2 देसी कट्टे भी बरामद होने की बात कही जा रही है, जबकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने घायल अपराधी को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेजा, जहां से बेहतर इलाज के लिए घायल को GLNMCH मायागंज रेफर कर दिया गया। घायल अपराधी की पहचान पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र के ईशन कोल निवासी 30 वर्षीय देव मंडल के रूप में की गई। गोली बाएं पैर में घुटने के पास लगी। नवगछिया एसपी ने घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि करीब आधे घंटे तक अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। अपराधियों के द्वारा 5 चक्र गोली चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। उक्त अपराधी को इलाज में भेज दिया गया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार और घायल अपराधियों में सभी पिछले दिनों 0 माइल में मक्का लूटकांड मामले में वांछित अपराधी हैं। जानकारी मिली है कि इन दोनों लूटकांड में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए नवगछिया पुलिस जिले के सभी थानों की पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में देर रात ही पुलिस ने पिछले 18 दिनों में हुए लूटकांड मामले का उद्भेदन कर लिया। अपराधियों के द्वारा छिनतई किए गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया। इस क्रम में पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली, जबकि कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान शुक्रवार को पुलिस को गुप्त मिली कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 4 अपराधी बाबा विश्व राउत सेतु के पास लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में तुरंत एक टीम का गठन किया गया। कदवा ढोलबज्जा नवगछिया गोपालपुर रंगरा परबत्ता और खरीक पुलिस की तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी मोटरसाइकिल से सादे लिबास में अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। टीम का नेतृत्व नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार कर रहे थे। मोटरसाइकिल से पीछा करने के दौरान जब पुलिस अपराधियों के करीब आ गई तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई और मौके से भाग रहे सभी अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर धर दबोचा। क्या नाम है तुम्हारा? सनोज। बुढ़े पोता नाम है ना? तब सनोज कहाँ गए हुआ? हरिनकोल। कहाँ पड़ता? धमदाहा। नाम क्या बोले? सनोज कुमार। कौन मारा बोले? किसको गोली लगाए सर? कुख्यात अपराधी है, इसका कई अपराधी इतिहास भी है। गुरुदेव मंडल फूफा जी, इसका और 2-3 6 नाम है। प्रकाश भी नाम लिखता है, गुरुदेव भी लिखता है, सनोज बोला जा रहा है, सनोज बोल रहा है और दशमित भी बोलता है। कहाँ का ये है सर? ये धमदाहा का है। वह अपराध करने के लिए इकट्ठा हो रहा था, उसकी गिरफ्तारियाँ हुई भी हैं और SDPO साहब खुद एरिया में अंदर टीम बनी हुई है, SIT का टीम बनी हुई है, उसके साथ वो मोबाइल थे, हमको जानकारी मिल रही थी। उसे जो रोका गया, उसे फायर खोला SIT टीम पे, SDPO पे, जवाबी कार्रवाई में वो जख्मी हुआ है, इसका भी इलाज चल रहा है। कहाँ पर ये करमन कंचनपुर पड़ता है, कदवा थाना अंतर्गत कंचनपुर, कोसी नदी के किनारे में वहाँ पड़ता है, वहीं पे ये घटना घटी है। सर कितनी बड़ी सफलता मानी जाती है इसके साथ? अपने अपने अब तक उनके साथ में जो थे 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, चौथा जख्मी हुआ है। अच्छा।
अन्य लोग भी हथियार भी है। तब तो उसने फायर किया एसडीपीओ साहब। कौन फायर किया? एक फूफा जी या जसमीत बोल लीजिए या गुरुदेव बोल लीजिए या सनोज बोल लीजिए या प्रकाश बोल लीजिए, उसने ही फायर खोला। इसमें कि जवाबी कार्रवाई में वो जख्मी हुआ है, उसको इलाज के लिए भेजा गया मायागंज इलाज चल रहा हूँ। पहले उन्होंने भेजे थे नवसिया हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया गया। ये सफलता आपने देखा इधर दो तीन लूट हुई है, नवसिया जिला में दो तीन लूट हुई है, तो हम लोग उसको बहुत गंभीरता से दिए हैं। ये मतलब लगे हुए थे, एसआईटी टीम गठन किया गया था, पूरी टीम लगी हुई थी और उसे हम लोग गिरफ्तार भी किया है। ये सफलता मतलब कई घटनाएं रुक जाएंगी तो घटना कुछ दिन पहले एक मकई से लदा हुआ ट्रक को है ना लूट लिया गया था, जिसमें से कि गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें से ये भी शामिल था जिसमें कि ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस जानकारी मिलते ही, इसे जानकारी मिला एसआईटी जो बनी हुई थी वो बहुत कम समय में जो लूटा हुआ जो मकई था वो बरामद कर लिया गया, पूरा बरामद कर लिया, और जो अपराधी थे उसे शामिल गिरफ्तारी की गई है, उसमें ये भी वांछित था। कितने देर तक का मतलब रेस्क्यू चला वहाँ पर, कितने गोली अपराधी द्वारा पुलिस के द्वारा गोली चला होगा? लगभग देखिए आधे घंटे का ये पूरा चला है। इस कार्रवाई में सबसे ज़्यादा किन की भूमिका रही सर? नगोशिया पुलिस की भूमिका अच्छी है। गोली कितने राउंड चली होगी अंदाज? लगभग 4-5 का चला है सर। सुने आया कल रात में एक दिन में 4 से 5 लूट की घटना हुई है। बिल्कुल सही सुने, बिल्कुल सही सुने हैं। रात में 4 लूट हुआ है, उससे मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस चारों लूट में से 3 का डिटेक्शन भी हो गया है, तीनों लूटा मोबाइल बरामद हो गया है, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई है, इसमें कल डिटेल में आपसे भी बताऊँगा। अभी और भी रेड चल रहा है, घटनाएं हुई है, लेकिन हमारी नवसिया पुलिस तत्परता के साथ उस केस का उद्भेदन भी किया है, गिरफ्तार भी किया है और लूटा हुआ गाड़ी बरामद भी कर लिया है। लेकिन जो राशि बताई जा रही है, जो राशि बताई जा रही है गोपालपुर में 60,000 रुपया, वो झूठा राशि, क्योंकि वो जिससे राशि लेने के बाद बताया है उसे पूछताछ किया, कहा कि नहीं तो जंतर मंतर लेने आया था, पैसा नहीं लिया गया। दूसरा भी जो लूट हुआ है वो 20,000 रुपया बोल रहा है, उतना नहीं था, उसके जेब में मात्र था 300 रुपया, उसका लूट हुआ था। वहाँ भी लूट हुई है, गिरफ्तारियाँ, उसका संतोष नहीं कहता जिससे इतना मैंने बताया कितना लूट हुआ, वो भी बरामद करेंगे। नवछा में कभी लूट हुआ सर? नगोछिया में हुआ, गोपालपुर में हुआ, रंगरा में हुआ, है ना, खड़ीक में हुआ, तो जो 3 थाना का था उसमें बरामद हो गया। उस तीनों में सर ये जो अपराधी पकड़ाए हैं क्या उसका कल के लिए, कल से बात करेंगे। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार, किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा ले घर बैठे ऑनलाइन, 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। नितिन गडकरी की सभा में बिहपुर से 3,000 और गोपालपुर से 2,000 कार्यकर्ता होने शामिल। भाजपा जिला कार्यालय में बैठक कर लिया गया निर्णय। भारतीय जनता पार्टी नवगछिया कार्यालय में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जी ने दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल बेमिसाल वन नेशन वन लीडर का कीर्तिमान स्थापित करते हुए गरीब कल्याण के लिए अनेकों कार्य हुए। इस संदर्भ में 14 जून तक सभी मोर्चे के नेतृत्व में विभिन्न स्तरों के कार्यक्रम होने हैं, जिसकी समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया कि पूरी पार्टी सभी कार्यक्रमों में सहयोग कर सफल करेगी। 7 जून को भागलपुर हवाई अड्डे के प्रांगण में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी का गरीब कल्याण जनसभा होना है, जिसमें नवगछिया के गोपालपुर विधानसभा से 2,000 और बिहपुर विधानसभा से 3,000 कार्यकर्ता अपने संसाधन से जाएंगे। आज की बैठक में गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम प्रभारी सह विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र जी, पूर्व सांसद अनिल कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, आलोक सिंह, राजेश यादव, विजय चौधरी, पुलकित सिंह, पूनम चौरसिया, अजय कुशवाहा, मुकेश राणा, नीलांबर झा, प्रमोद मंडल, राजेश पासवान, अनामिका चौधरी, बबलू चौधरी, प्रभुनंदन चौधरी, वरुण सिंह, पंकज शर्मा, पवन यादव, रंजीत झा, वीरेंद्र राय, मुरारी चिरानिया, गुलाबी सिंह,
सिंह, विनय सिंह, विजय सिंह, नवीन चौधरी, गौतम कुमार, सुबोध यादव, शंभू ठाकुर, अभय सिंह, पवन सिंह, मिथिलेश शर्मा, शशिभूषण यादव, राजेश झा, श्री किशोर झा, मुन्ना आलम, खालिद महमूद, दिनेश यादव, गुड्डू कुमार आदि मौजूद थे। नवगछिया के जीरो माइल में होटल में छापेमारी कर बाल श्रमिक को किया गया विमुक्त। श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने शुक्रवार को नवगछिया जीरो माइल के समीप मिठाई दुकान में छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इस कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदार के खिलाफ नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने के लिए श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी इस्माइलपुर विभाष कुमार, पीरपैंती के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार झा, गोपालपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आदित्य कुमार एवं बीहपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिवाकर कुमार को लेकर धावा दल का गठन किया गया था। दल ने श्रम संसाधन विभाग नवगछिया नगर परिषद अवस्थित जीरो माइल के आसपास दुकानों का निरीक्षण किया। विभाग ने कार्यवाही करते हुए बाल और किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत श्रमिक की मेडिकल जांच करवाने के उपरांत बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बाल गृह में भेज दिया। श्रम संसाधन विभाग हर सप्ताह जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी सह जागरूकता अभियान चला रही है। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। इस्माइलपुर बिनटोली के तटबंध पर बने इस पर पुनर्स्थापन कार्य गुरुवार देर रात कई मीटर ध्वस्त हो जाने के कारण विभाग में हड़कंप मच गया। पिछले वर्ष भी यहां पर नदी के दबाव के कारण पत्थर का शिलोप कार्य नहीं हो पा रहा था। बरसात और कटाव के समय में कई मीटर ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा यहां पर फिर से नोज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन कार्य नदी के सामने में छोटा पड़ गया। सभी जियो बैग और पत्थर का स्लोप ध्वस्त होकर खत्म हो गया। कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि हम लोगों ने यहां पर कार्य को अपनी निगरानी में करवाया था, लेकिन नदी के दबाव और दलदली जमीन होने के कारण सभी एंट्रोजन कार्य नदी में लॉन्च कर दिया है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि यहां पर कार्य फिर से करना है, इसके लिए मैंने सभी इंजीनियर एवं संवेदक को निर्देश दे दिया है। यहां पर कार्य जो भी होगा उस पर विशेष निगरानी रखी जानी होगी। गोपालपुर थाना क्षेत्र के महाकाल ढाबा NH 31 पर गुरुवार देर रात हथियारबंद अपराधियों ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकनपुर निवासी सचिन कुमार शर्मा के साथ लूटपाट की। घटना की सूचना पर गोपालपुर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार सचिन कुमार अपने ससुराल कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र से देर रात घर वापस आ रहा था। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी ने महाकाल ढाबा के समीप दो मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर लूटपाट कर ली। सचिन कुमार के द्वारा इसकी सूचना गोपालपुर पुलिस और परिजनों को दी, जिसके उपरांत गोपालपुर पुलिस द्वारा इस घटना में प्रतिनियुक्त मोटरसाइकिल और कई सामान बरामद कर लिया है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लूट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जांच की जा रही है। बीहपुर प्रखंड उप प्रमुख एनामूल ने सीओ को मांग पत्र देकर बीहपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी की मांग की, जिसकी प्रतिलिपि BDO, SDO, जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री को भेजा है। मांग पत्र में उन्होंने कहा कि बीहपुर कब्रिस्तान की घेराबंदी एक दशक पहले कंटीले द्वार के द्वारा की गई थी, लेकिन एक वर्ष के अंदर कब्रिस्तान की घेराबंदी नष्ट हो गई, जिस कारण कब्रिस्तान जानवरों का चारागाह बन गया और बगलगीर कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, जिस कारण अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी रहती है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस पर गोली गुरुदेव ने ही चलाई थी। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए SDPO दिलीप कुमार ने जब अपराधियों पर गोली चलाई तो एक गोली गुरुदेव को जा लगी। नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि गुरुदेव का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उसके कई नाम है, जिसमें गुरुदेव उर्फ फूफा, सनोज कुमार, प्रकाश कुमार और जसमीत सभी नाम एक ही अपराधी के हैं। पुलिस ने बताया कि गुरुदेव काफी शातिर और चालाक किस्म का अपराधी है। SP ने कहा कि हर हालत लुटेरा गिरोह के सभी सदस्य सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। पुलिस उक्त कार्रवाई को एक उपलब्धि के रूप में देख रही है। रेलवे स्टेशन नारायणपुर परिसर स्थित चाय नाश्ता व मिष्ठान दुकान और ऑनलाइन सेंटर दुकान में गुरुवार की देर रात्रि पीछे से ईंट की दीवार तोड़कर विभिन्न प्रकार की मिठाई, डंडा समेत ऑनलाइन सेंटर दुकान से कंप्यूटर, नगदी समेत अन्य सामान चोरी का मामला प्रकाश में आया। पीड़ित दुकानदार पप्पू झा उर्फ अमोद झा और गुड्डू झा उर्फ कुमोद झा दोनों भाई की दुकान में चोरी की घटना को लेकर दुकानदार भयभीत है। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि चोरी की घटना से दुकान से करीब 50,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना को लेकर बीपुर GRP को दूरभाष से जानकारी दी गई है। मामले को लेकर GRP पदाधिकारी और GRP के जवान छानबीन में जुटे थे। GRP थाना अध्यक्ष अजय सहनी ने बताया कि पीड़ित व्यवसायी के द्वारा आवेदन देने पर जांचोपरांत कार्रवाई की जाएगी। इधर लगातार क्षेत्र में चोरी की घटना को लेकर दुकानदार भयभीत हैं। बीते रविवार की रात्रि नारायणपुर चौक पर से गुमटी तोड़कर रामूचक निवासी दिव्यांग उदय सिंह के पान की दुकान को तोड़कर चोर ने सामान चोरी कर लिया था। लगातार हो रही चोरी की घटना से दुकानदार परेशान हुए और स्थानीय प्रशासन से पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की।
नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौक से मनोहरपुर जाने के दौरान मध्य विद्यालय नारायणपुर के पास मथुरापुर बाजार से मनोहरपुर जा रही ओवरलोडी रिक्शा अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक समेत सवार महिला समेत 5 यात्री जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से चालक से वाहन ओनर ने प्राथमिक उपचार निजी क्लिनिक में भर्ती करवाया। मामले को लेकर थानाध्यक्ष रमेश कुमार साह ने बताया कि घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर निवासी मरहूम प्रोफेसर इशाक साहब के बड़े पुत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय दयालपुर के प्राचार्य इस्तखार अली उर्फ लल्लू का आवास पर गुरुवार की रात्रि हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन पर बीरपुर और नारायणपुर के बड़ी संख्या में शिक्षक ने आवास पहुंच संवेदना व्यक्त की। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीण चौक चौराहे पर दिवंगत शिक्षक को लेकर चर्चा हो रही है। बताया जाता है कि वो काफी मिलनसार व्यक्ति थे, जिनकी कमी परिवार और क्षेत्र को हमेशा महसूस होगी। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी प्रोफेसर अयूब अली, मुखिया गुड्डू यादव, प्रमुख अशोक कुमार यादव, समाज सेवी बाबू साहब, संजू लोहिया समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं बुद्धिजीवी वर्ग के ग्रामीण ने आवास पहुंच शोक संवेदना प्रकट की।